कर्नाटक में चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने लिंगायत को अलग धर्म की मान्यता देने को मंजूरी दी थी, जिसे भाजपा ने चुनावी मसला बनाया और उसका लाभ भी उसे चुनावों में खूब मिला। कांग्रेस ने ये कदम कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की आबादी को देखते हुए भाजपा को कमजोर करने के इरादे से उठाया था, लेकिन ये दाव अब कांग्रेस के ऊपर उल्टा पड़ गया है और उन सीटों पर भी भाजपा की विजय हुई जो लिंगायत के प्रभाव में। इसके पहले भाजपा की केंद्र सरकार ने कांग्रेस के इस मसौदे को ठुकरा दिया था और कहा था कि ये मसौदा हिंदुओं को बांटने की साजिश है। बता दें कि कर्नाटक में लिंगायत की आबादी करीब 18% है और बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा बीएस येदुरप्पा भी इसी समुदाय से आते हैं। लिंगायत कर्नाटक में अगड़ी जाति मानी जाती है और उन्हें अलग धर्म का दर्जा देकर कांग्रेस इस समुदाय के लोगों का अल्पसंख्यकों को मिलने वाला लाभ भी देना चाहती थी, पर उसका ये पत्ता भी नहीं चला। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि लिंगायत समुदाय को लेकर जीत के बाद भाजपा का क्या रुख होगा। क्या उसकी हिंदुत्ववादी सरकार में लिंगायत वास्तव में किसी धर्म का रूप ले पाएगा, या मोदी सरकार के साथ साथ कर्नाटक की नई सरकार अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहेगी। हमारे चैनल की अपडेट न्यूज को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।